आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो 3 कृषि काले कानून वापस लिए हैं, इसमें देश के किसानों को सबसे पहले बधाई। आंदोलन में शहीद सैकड़ों किसानों को नमन। आखिरकार क्रूर सरकार जो किसानों के आगे झुकना ही पड़ा, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, निठल्ले, नकली किसान, आंदोलनजीवी कहने वाले लोगों की हार हुई। सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद चुनावों में अपनी हार को देखते हुए हार की डर से कृषि कानून वापस जो लिया है, अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था, किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार से हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि जब गरीब सवर्णों को आप 10% आरक्षण 72 घंटे में दे सकते हो तो 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को भी 52% आरक्षण देने की व्यवस्था आप बनाइए। देश में जातिवार जनगणना कराने की व्यवस्था पिछड़ों के लिए बनाइए। पिछड़ों के साथ धोखा क्यों करते हैं? 52% आबादी है, यही सरकार बनाता और बिगाड़ता है। आप प्रदेश में महंगाई से, देश में महंगाई से निजात कैसे मिले, देश की जनता को इसके विषय में कानून बनाइए ताकि देश की जनता को निजात मिल सके। देश में हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति बंद करिए, भाईचारे की राजनीति पैदा करिए, शुरू करिए आप लोग। और जो गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ बिजली की मार पड़ी है, महंगाई की मार पड़ी है, इसे निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी विचार करिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि किसानों की जीत हुई, किसानों के आंदोलन के सामने किसानों ने अपने हक की लड़ाई, सही लड़ाई लड़ी है। इसकी वजह से आज 12 महीने से जो किसान आंदोलन किया अपने हक के लिए, उसकी जीत हुई है। और जो 3 कृषि कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, ये किसानों के अहित में था, किसानों का नुकसान था, इसको वापस लिए हैं। और बहुत तोप हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने वापस लिया, तो ये तो काले कानून प्रधानमंत्री ने बनाया ही था, तो इसको वापस लिया, तो इसमें कौन बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है।